रात के बजे 9:15। अभी दिया को आने दीजिए, जरा आज ये कैमरा ऐसे ही लगा रहेगा दरवाजा। मेरे को ना बिग बॉस की तरह पूरे घर में कैमरे लगाने चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटी होती है ना, पता चलता रहेगा। क्योंकि मैं, ये तो बंद हो जाता है, वो कैमरे तो ऑन रहेंगे, जो जो क्लिप होगी वो निकाल लिया करेंगे। माँ लाला के हरी सब्जियाँ परेशान हो गई है, हैं हरी सब्जियाँ खिला रही है उसको, और अभी देखना खा भी रही है। लेकिन अभी देख, गौर से देखिए इस बबच्चे को, रात के बजे हैं 9:30 और ये क्या लाया जा रहा है, ये देखिए दिखा ना चटोरी, ऐसा ही नहीं मैंने डाला तेरा नाम, और ऊपर से म्यूजिक सुन के ना तो वहां पे ड्रिंक, अरे फुल एंजॉय किया जाता लाइफ के, मुझे तू ही ले रही है। कैसे पता चला कि मैं आ रही हूं? आवाज आ गई थी, तेरी माँ हूँ मैं। कैसे आवाज आ? हम तेरी माँ है, तेरे पैरों की आहट पहचान लेते हैं। और देख सांस चढ़ गए, ये हालत बना रखी है माँ। हरा क्या बाहर इतनी ठंड हो रखी है, अगर ठंड में है पीर बोली चिपचिपकना चाहिए। तो दिखाना क्या लेके आई है जरा, आप भी उतनी चटोरी हो भाई। जनता जानना चाहती है, पब्लिक जानना चाहती है, फैमिली जानना चाहती है कि क्या लाया जा रहा है, जरा दिखाया जाए। ये देखिए इस चटोरी के, देख ये क्या हो गया, ठंड लग गई ना तो मार पापा की तरह डांस कर रही है। ये गया और ये गया दिया के मुंह में। वाह, मतलब आनंद की प्राप्ति है ना, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ओहो गरम गरम आहार। उस दिन मैं डर गई थी, मैंने कहा ये मेरे को ऐसे बेवकूफ बना, मतलब ऐसे कह रही है ना कि कब तक आओगे। माँ का दिल है तो डर जाता है, पर हमें नहीं पता इसके तो पेट में खाने के सिवा और कुछ चलता ही नहीं है, इसकी लाइफ में खाने के सिवा और कुछ नहीं है इसके दिमाग में ना। हैप्पी बर्थडे दिया, चल मॉर्निंग वॉक करके आते हैं इस बताओ बच्चे को कितना अच्छा काम है। ये ले, अच्छा अपने लिए गिफ्ट चूज वो कर ले, अमेजोन से ऑर्डर कर दे। क्यों अब ये करने में भी देखो इसको आलस आ रहा है। दिया आज ही पिट जाएगी अगर कपड़े पूरे नहीं पहने तो। वीडियो पहले बने हुए हैं, लेकिन ये वाला वीडियो मैं पहले डालूंगी क्योंकि बर्थडे का है, फिर लेट हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं कहूँ ये मेरा फोन क्यों लेती है, ये पता क्या करती है, इस अपना फोन जो है वो मेरे फोन में लॉगिन कर लेती है। ये देखो फिर ये है बर्थडे विशेष सबकी एक्सेप्ट कर, अपने फोन से नहीं कर रही, मेरे फोन में आईफोन में कर रही है ये। इतना प्यार इस लड़की को है ना, देखो ये देख कितने मैसेज आ रहे हैं लड़की के। ये काम करती है इसलिए तू मेरा फोन लेके रखती है, अब समझ में आया। ये लड़की रात को सामान लेने गई है और अपने पापा की तरह स्कूटर में चाबी लगी छोड़ाई है। एक चाबी उन्होंने ऐसे ही खोई थी पहले, और वो देखिए वो लगी है, वो तो हमारे यहाँ से ना कोई लेता नहीं है, चोरी नहीं होता सामान, तो चाबी यहीं लगी और रात को ऐसी लगी हुई है, और इतनी तेज हवा चल रही है ना, बिना माइक के आ गई है। तेरे पास मतलब इसके लिए टाइम नहीं है, यही करवाएगी बुकिंग है ना ये कह रही है zara.com पे से अपने आप अपने लिए गिफ्ट चूज कर ले, कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है। ये बड़ी के वो है इंडिया, मतलब उसके वहां का वो चलता नहीं है ना अरे तेरे को पता है, इसको कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, मैं हाँ तू ही कर, नाड़े से लटक रहे थे वे नाड़े लटक रहे थे लंबे लंबे वे, फिर काटे हैं इसने। आज दिया का बर्थडे इसलिए ड्राइंग रूम में ना नई चादर बिछा देती हूँ, ठीक है। दिया तेरे बर्थडे की एक बात याद आई मुझे, ये ना होने वाली थी, मेरे को पेन हो रहे थे
तो इसके पापा कह रहे कि 8 बजे बोल रहे मैं जा रहा हूँ टेनिस खेलने कॉम्प्लेक्स में, और कह रहे 9 बजे तक आ जाऊंगा। मैंने कहा खबरदार जो चले गए, कह रहे बस 9 बजे तक आ जाऊंगा, 9 बजे तक बिल्कुल 9 बजे तक घर आ जाऊंगा। 8:50 पे ये हो गई थी तो आए कि नहीं, जाने का दिया था 8:50 पे, 10 मिनट रह गए थे 9 बजने में, 9 बजे के बाद आते तो फिर आज गोप्रो का हाथ भी नहीं लगा रही है लड़की। आज प्रीति आंटी इसके लिए भेज रही है पाव भाजी, देखो प्रीति आंटी भेज रही है पाव भाजी, सपना शाम को होटल में लेके जाएंगे, पार्टी होगी हैं, और सुबह मैं कह रही हूँ हल्का सा खा ले बेटा कुछ हल्का फुल्का, खाना ही नहीं है भूख ही नहीं, नहीं खानी अभी, आलू का पराठा बोल रही थी ये आपने क्योंकि पनीर का बोला था इसलिए। अच्छा तो टोस्ट बना लूं? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। आज अंकल का भी बर्थडे है और उसका भी है, दिया का भी, दोनों केक काटेंगे एक बार कोई बात नहीं काट लो काट लो दिया दिया काट ले एक बार वो ऐसे लीजिए अरे छोटा सा काट ले नहीं वो आराम से खा मेरी एनिवर्सरी पे ऐसे हुआ था, मैं केक इनको खिलाने लगी, इन्होंने मेरे को खिला दिया, अपना उठा के खुद ही खा लिया। ये मम्मी बोलती है मेरे को चटोरी, ये खुद इतनी बड़ी चटोरी अभी यहाँ पे ना अलका आंटी वो लोग ना केक दे के गए थे, मैंने चखा भी नहीं, वो मैंने बोला वो केक खा के थी मैं खा गई। अब कौन है चटोरा बता दो खुद ही, चटोरी की मां चटोरी आप कम नहीं हो। ये प्रीति ने दिया के लिए, आपको पता है दिया को पाव भाजी पसंद है, पाव भाजी बना के भेज दी। ये मैं तीसरी बार कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही थी तो कुछ था ही नहीं बोलने, क्योंकि इसको माँ के बिना इससे कुछ हो नहीं रहा, वैसे कह रही है फ्यूचर में यूट्यूबर बनेगी है। भाई अब थोड़ा टाइम लगेगा ना उसमें वो करने में, तो थैंक यू अंकल आंटी भैया दीदी एवरीवन कि आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, मैंने सबके देखे लेकिन सबके एट द टाइम रिप्लाई करने पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहीं पे मतलब सामने आपको यूट्यूब पे मैं सबको थैंक यू बोल दूँ, थैंक यू वेरी मच। और सब मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतने बढ़िया बढ़िया, कोई बर्गर टिक्की भेज रहा है, कोई कोई पिज़्ज़ा बना के भेज रहा है, कोई चाउमीन की फ़ोटो भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, तो थैंक यू सो मच। मैं सबके पढ़ रही हूँ पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। आज मैं घर में ही लगवा रही हूँ दिया के हाथ से ये पेड़, क्योंकि ना और ये गुलाब का, हाँ ये गुलाब का है, क्योंकि बाहर मेरे को जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो पहले वो दो पूरे चल जाएं फिर इसको चलाऊंगी। 6:15 बज गए, सपना और उन्होंने बुलाया था किसी पता नहीं होटल है रेस्टोरेंट है मुझे नहीं पता नाम, कि इवनिंग में डिनर हमारे साथ है, और भैया है रोहतक से हमारे, उनकी तरफ से केक है तो मैं केक लेती हुई जाऊँगी। उन्होंने पहले ही मेरे को बोल दिया था कि डिनर भी मेरी तरफ से होगा, कहीं भी पार्टी करेगी दिया, और केक भी, तो मैंने कहा भैया डिनर तो इनवाइट हो चुके हैं हम, आपका ही खा रहे हैं वैसे तो, पर फिर उन्होंने बोला कि नहीं केक मेरी तरफ से ले लेना। मैंने दिया को बोला था, मैंने कहा दिन में केक ला के बच्चों को बुला दे, पर मन नहीं कर रहा था, नहीं मैं नहीं करूँगी। अब हमारी सोसाइटी में श्रेया दीदी है उसकी, और बच्चे मिल के केक ले आए, कि देख लिया था दिया ने मना कर दिया होगा, मेरा मन नहीं कर रहा मनाने का, तो देख बच्चे ले आए केक। देख रहे सब केक ले आए, बल्कि ये मेरे को मना कर रही थी, मैं सुबह ला रही थी, मैंने कहा 5 बजे काट लेना बच्चों के साथ, दिन रात को तो वहां जाना है सपना, इसने मना कर दिया, तभी हमने सर पे दे दिया, हमें मना करेंगे कुछ नहीं थे। चलो भाई दिया केक काट ले, कैंडल तो जला ले, ये सबको इतनी जल्दी हो रही है ना, सब चटोरे बैठ गए आप एक एक आने के लिए, सबसे ज्यादा तू है, तुम्हारा असर आगे के साथ दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, फ्रेंड्स को खिलाओ। नहीं आंटी आंटी को खिलाओ।
आंटी को खिला। आंटी की फोटो मेरी नहीं हो पाई थी। अरे आंटी खा ले कहीं ना मोटी हो रही। हो गई ये बच्चों ने अच्छा सरप्राइज दे दिया। दिया कलो भी खाओ। नहीं क्यों बोला लगाओ पकड़ो पकड़ो रगड़ो इसको अच्छी तरह से लगाओ। कोई बात नहीं वीडियो बना मजा आ रहा है ना है चटोरी सकल दिखा दे चल। श्रेया करेगी श्रेया डांस कर तो हम तैयार हो चुके हैं। बच्चों ने एकदम आके सरप्राइज दे दिया और बहुत अच्छा लगा। एकदम थोड़ा सा शोर शराबा हो गया, मतलब बहुत दिन हो गए थे ऐसे हम मम्मी बेटी दोनों अकेले अकेले रहते हैं ना दिया। इस बहाने थोड़ा सा बच्चे उछल कूद मचा गए। शर्मा जी तो बुलाते थे सबको। और अब जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं देशवाल बेकरी बोलती हूँ, दिया सही कहती थी गढ़वाल बेकरी है। गढ़वाल बेकरी और कितनी बार आ चुकी हूँ मैं। ट्रफल केक लेना, ट्रफल केक। तो हम पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ से जा रहे हैं जो कि तिलक रोड से आगे सीधा। ये व्हाइट सॉस पास्ता, ये रेड सॉस, जलफ्रेजी, दाल मखनी और बटर नान, पनीर टिक्का बटर मसाला और ये एज यूजुअल नान और रोटी। और ये बैठ गई है रिया दिया टिया, रिया दिया और विदित है पीछे। क्या कह रही है, बोलना क्या। मेरे ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है, व्हाइट भी खा लेते हैं। कैसा है बच्चों, मतलब कुछ भी खा रहे हो बताओ तो सही। पास्ता पास्ता खाना बाकी बहुत टेस्टी है ना। हाँ, खाते खाते गर्मी, खाते खाते दे गर्मी लगी, जैकेट उतर गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुंह के अंदर खिला, अरे खा ले। नहीं दिया, दिया, दिया।
यही खाया यही निकाल दिया निकला नहीं दिया की पार्टी होगी और दिया को गिफ्ट के लिए पेन। बच्चा अच्छे से पढ़े। बच्चा कहाँ गया? कह रही हूँ दिन भर इतना खाया, हजम करिए चल के कुछ नहीं चलना। आज मौसम साफ है, वो देखिए पीछे लाइट चमक रही है नरेंद्र नगर की ना, नज़ारा देखिए इधर से, वाह क्या शानदार नज़ारा है ना। और 10 बजे हैं, मेरे सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई है यहाँ पे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। वो गंगा जी के पास बैठे हैं बच्चे हैं पता नहीं, बड़े हैं। मैंने कहा हंसने की तो आवाज़ आई। दिया ने ना जब शर्मा जी की एक्सपायर है तो कह रही थी मम्मी मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी, पर फिर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। आज बहुत अच्छा बर्थडे मना, और 2-3 दिन पहले दिया ने कुछ कहा था तो मैं भी सुन के हिल गई थी कि बच्चा क्या सोच रहा है। तो मैंने सोच लिया था कि बर्थडे उसका, मैं शिवांगी का तो केक वेक पहले मैं मना कर रही थी कि केक नहीं काटना, मैंने कहा नहीं केक काटूंगी, पर फिर उसने खुद ही मना कर दिया और वह बच्चे लेके आ गए केक। और इधर सपना और के साथ फैमिली गेट टुगेदर एक्चुअली होता रहता है, लेकिन सारी चीज़ें हर बार चैनल पे नहीं दिखाते। जब होता है ऐसे बड़ा जैसे दिया का हो गया तो दिखा दिया आपको, और खूब बढ़िया लगा, बढ़िया फंक्शन हो गया, अच्छा मतलब बच्चा खुश हो गया क्योंकि चटोरी तो है ही, सुबह से आज उसने अपनी पसंद का खाया है जो खाया है। आज इतना खा लिया था कि मतलब कुछ ना कुछ चलता ही है आप पता है, और घूमने गए नहीं क्योंकि अगर चली जाती तो फिर दिया कहती आज मम्मी फिर घूमने चली गई, तो मैं घूमने गई नहीं इसीलिए। और इतना अच्छा लगा मतलब पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहा। और फिर लास्ट में दिया को मैंने बोला था 5 बजे सोसाइटी के बच्चों को बुला के केक काट दे, कोई बात नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा खुश हो जाएगी वो भी, नहीं तो घर में ऐसे रहता है। पर फिर श्रेया वगैरह सब अपने आप ही केक ले आए और थोड़ा बढ़िया हो गया। अच्छा मतलब जो हमने जो वो कह रही थी ना कि मैं मनाऊंगी नहीं, तो बच्चों ने आके, मैं कहती हूँ ना भगवान हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, उसने पहले ही सोच रखा होता है क्या करना है क्या नहीं करना। और सपना और के साथ भी मतलब फैमिली गेट टुगेदर हो गया, अच्छा लगा बहुत। और वैसे हम मिलते रहते हैं लेकिन सारी हर बार कैमरे पे नहीं रहते, जैसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं वो हो जाते हैं कि भाई उसको ले लेते हैं कैमरे में, पर अच्छा लगा, दिया खुश हो गई और बच्चे भी सब खुश थे क्योंकि। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं शर्मा जी का झूठा नाम लेके कि क्या कहते हैं भाभी जी हम पुराने जानते थे और हम उनके फ्रेंड थे, हम उनके साथ काम करते थे, लेकिन वो ये और ये हमारा बिजनेस है उन्होंने ही किया है। मैं बता दूं अगर शर्मा जी पुराने जानते जो पुराने साथ काम किए होते ना, उनका नंबर हमेशा सेव करते हैं, हमेशा सेव किया हुआ था, बल्कि जैसे अपने चैनल बनाता फैमिली मेम्बर्स का उनके नेम सेव नहीं थे, तो वो मैं करती जा रही हूँ जिसके नहीं थे तो। लेकिन अपने पुराने कुलीग्स के नंबर हमेशा जहाँ भी काम किया है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेव ना हो, पर झूठ बोल के मेरे को शर्मा जी की वाइफ को झूठ बोल के बेवकूफ़ ना बनाओ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सोच के कि अकेली औरत है इसको बेवकूफ़ बना के प्रमोशन करवा देंगे, बिल्कुल नहीं करूँगी। आप सीधा सीधा बोलिए, सच्चाई से बोलिए। तो बस यही था आज का वीडियो। मैं बता रही हूँ मैं 25 साल में साथ रही हूँ उनके, जॉब नहीं करी, एक जॉब के बराबर ही था, इंटरव्यू देने भी मुझे साथ लेके जाते थे, मैं घंटे बैठती थी फिर मेरे को बताते थे क्या क्या पूछा गया, तो बताओ। बस यही था आज का वीडियो, और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, और नीचे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल है उसको इंजॉय लाइक लोकल के नाम से उसको क्या करते हैं फॉलो कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ डेली हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा डालते रहते हैं उसके अंदर, और आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप जैसी चैट भी हो सकती है उस पर। और इन्जॉय लाइक लोकल हमारा फेसबुक पे इन्जॉय लाइक लोकल के नाम से अकाउंट है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी अच्छा रहेगा क्योंकि मैं वहाँ डेली की पोस्ट भी डालती रहती हूँ, और जैसे फेसबुक पे चलता रहता है, और मैं सोच रही हूँ कभी कभी फेसबुक से भी लाइव आ जाए करूँ।
तो बस यही है। हर हर गंगे हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।